guys, welcome back to my channel. So if you never seen my face before, my name is Ritika. You can definitely subscribe to my channel because I make video every 2 or 3 days each week and I make totally different kind of videos sometimes. So definitely do subscribe. So aaj ka video hoga Tinkle Eyebrow Razor review and full demo and main iske bare mein kuch batane wali hu aapko kyunki main long time se isko use kar rahi hu and I really like it. So main inke bare mein matlab inke bare mein nahi is product ke bare mein aap logo ke sath baatein karungi aur iske bare mein aapko demo bhi dikhaungi. And without further ado, let's get jump into this video. तो इस प्रोडक्ट को कम से कम मैंने 2 से 3 साल तक यूज़ किया है. मैं यूट्यूब में भी नहीं थी तब से मैं यूज़ कर रही हूँ इसको और मैंने बहुत सारा ब्रांड का प्रोडक्ट मतलब बहुत सारा ब्रांड का आईब्राउ रेजर या फिर फेशियल रेजर ट्राई किया है एंड आई रियली लव दिस ब्रांड कॉल्ड टिंकल. और तो ये टिंकल रेजर आता है 3 रेजर के साथ और 3 रेजर डिफरेंट नहीं होता है, सेम होता है, बस कलर डिफरेंट होता है. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कम से कम 2 से 3 साल तक ये प्रोडक्ट को यूज़ किया है ना, आई रियली लाइक इट. एंड मैंने अभी कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई किया है अपने फेस पे और मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ और मैं प्रोज एंड कॉन्स भी बताने वाली हूँ क्योंकि मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरा स्किन बहुत ऑयली है. तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन के लिए आप कैसे इस प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो. तो गाइज एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि फेशियल हेयर रिमूव करने से और भी घना बाल आता है, ऐसे कोई भी बात नहीं है क्योंकि मैं बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ. नॉर्मल बाल आता है, कभी कभी कम भी आता है क्योंकि बहुत सारा बाल घट गया है मेरे फेस से. एनीवेज तो मैं अपने फेस को अपर मोशन में शेव कर रही हूँ क्योंकि डाउनवर्ड आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा. रेज़र को ऑलवेज अपर वे में अपने फेस को शेव कीजिएगा, ये सबसे सेफ वे है. और मैं ऐसे ही अपने फेस को शेव करती हूँ ऑलवेज, मैं कभी भी डाउनवर्ड नहीं करती हूँ. तो एग्जैक्टली सेम वे में अपने आईब्रो को मैंने अपवर्ड पकड़ा हुआ है और आपके बालों का मतलब आईब्रो के बालों का जहाँ से ग्रोथ होता है उसके ऑपोजिट साइड से आप शेव कीजिएगा. बहुत धीरे धीरे आपको जो बाल निकालना है बस उसको शेव कीजिएगा. तो अपवर्ड वे में ही मैं अपने मुस्टैच हेयर को अभी शेव कर रही हूँ. तो गाइज और एक बात करनी है, अगर आपका पिंपल चीक्स में होता है तो डू अवॉइड दैट प्लेस. मैं बहुत अवॉइड करती हूँ अपनी चीक्स को क्योंकि मैं इरिटेट नहीं करना चाहती हूँ अपने पिंपल्स को. तो गाइज अपने फेस के कोई भी जगह पे आप यूज़ कीजिए, डेफिनेटली अपनी चीक्स को अवॉइड कीजिएगा अगर आपका स्किन मेरे तरह सेंसिटिव है. तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, अमेजॉन. मैं सारे के सारे लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ. तो 3 रेजर मिलेगा आपको, चेंज करना पड़ेगा 3 मंथ्स के बाद मतलब एक रेजर को आप 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हो क्योंकि हम लोग हर रोज नहीं यूज़ करते हैं. फिर भी मैं बोलती हूँ कि 3 महीने तक आप यूज़ कीजिए, फिर आप चेंज करके यूज़ कीजिए बिकॉज ऑफ हाइजीन. आप एक ही चीज़ मतलब बार बार नहीं यूज़ करोगे अपने फेस में और अगर आपका स्किन मेरे जैसा है तो डेफिनेटली डू नॉट डू दैट. सो इस प्रोडक्ट को मैंने खरीदा है शॉपक्लूज से एंड इट्स ओनली रिटेल फॉर 130 रुपीज़ गाइज. सो गाइज डेफिनेटली डू ट्राई टिंकल आईब्राउ रेजर एंड आई रियली रियली लाइक इट. ये हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से और मेरे तरफ से अप्रूव्ड है, डेफिनेटली डू ट्राई इट. ये प्रोडक्ट मैंने जेन्युइनली अपने दिल से बहुत एंजॉय किया इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये छोटा सा रिव्यू वीडियो. एनीवेज गाइज, सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो एटलीस्ट गिव मी 20 लाइक ऑन दिस वीडियो एंड इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बाय.